अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है, और नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करना है। आज मैंने कवर पहना हुआ है और इसके अलावा काम भी कर रहा हूँ। ये सामने मल्टी डोर सिस्टम जो है हमने कन्फिगर करने हैं, मीन्स कि फिज़िकल इनकी कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। हमारे पास 3 डोर है, उनको हमने जो है एक्सेस सिस्टम हमने उसके अंदर हमने इंस्टॉल करना है। तो ये आप सामने बॉक्स देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी भी लगे हुए हैं, लेकिन हमने 3 और मज़ीद ऐड करने हैं। इसके अलावा हमने 3 मज़ीद कैमरे लगाने हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा बेसिकली आउटडोर का ही सारा काम है। इस वजह से जो है मैंने ये कवर पहना हुआ है, जब भी हम किसी भी साइट पर विज़िट करते हैं या किसी भी साइट पर जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी के तमाम इक्विपमेंट मिलते हैं, तो वो हम अपनी हिफाजत के लिए और उस जिस साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी पूरी सिक्योरिटी का जो भी साजो सामान है वो आप अपने साथ रख कर और पहन कर आए लेकर। तो इस वजह से जो है ये सब चीज़ें मैंने पहनी हुई है। तो आज हमने ये आउटडोर का सारा काम करना है, 3 कैमरे लगाने हैं इंशाल्लाह, और साथ में हम लगाएंगे 3 जो है ना डोरों का भी जो है ना कनेक्टिविटी हमने करवानी है फिज़िकली थ्रू दिस बोर्ड, ठीक है। तो IT का बेसिकली जो काम होता है आउटडोर का भी होता है, इंडोर का भी होता है, ठीक है। आउटडोर में जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है आपको जाना पड़ता है बाहर, और वो आपने फिज़िकली उसकी वायर की कनेक्टिविटीज़ वो तमाम चीज़ें आपने देखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जब वो वहाँ से सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं, देन आप दोबारा इंडोर में आके उसकी कॉन्फिग्रेशन होगी, वो सारी चीज़ें आपने इंडोर होके करनी होती है। फिज़िकल का आज काम है, तो इस वजह से आज हम आउटडोर आए हुए हैं। और इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काम काम है, काम तो करनी करना है। तो इस वजह से जो है इंशाल्लाह करेंगे, मुकाएंगे काम। कुछ कमेंट्स भी आई थी, उनके भी जवाब देने हैं। सबसे पहले एक जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स पढ़ी हैं, जिसमें लोगों ने कहा कि अगर हम इराक़ में किसी लड़की से शादी कर लें तो क्या वो हमारे लिए सही रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो मेरी नज़र में तो कभी नहीं आया, ना ही मैंने कोई नोट किया है, और ना ही मेरे ख्याल में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूरोप हो गया या अदर जगहों पे। तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी कुछ कंपनीज़ के उन्होंने नाम भेजे हैं, तो इंशाल्लाह उनके भी मैं वीडियोस बना दूंगा, इन्फॉर्मेशंस लेके आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। बस जो है बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जब भी जो है आप किसी भी कंपनीज में या किसी भी जगह आप आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उसकी रिसर्च आप प्रॉपर घर से कर आएँ, ठीक है। और अगर आपका वहाँ पे कोई भी बंदा है तो वहाँ पे आप लाजमी उनसे उस कंपनी के बारे में पूछे, इन्फॉर्मेशन ले, वो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज हैं, वो भी जो है ना उनके पास काफ़ी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है। और उनसे देखें जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो उनके बारे में रिसर्च करें, वो सारी, उसके बाद आप देन जो है मूव करें और डिसीजन लें, और उसके बाद आप मूव करें। लेकिन एक बात मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने कोई भी विजिट वीज़े पे नहीं आना। अगर कोई एजेंट आपको कह देता है कि विजिट वीज़े पर आओ, हम आपको उधर, आप जब चले जाओगे तो आपको जो है वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ये सब एजेंट्स की कहानियाँ होती हैं, तो आपने उनकी जो है बातों में नहीं आना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें, नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक किया करें, और इसके अलावा आगे भी शेयर करें मेरा चैनल, ठीक है। आज जो है हम कुछ कैमरे यहाँ पे मज़ीद और लगा रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमने एक्सेस डोर सिस्टम जो होता है, मल्टी डोर सिस्टम, इन सब डोरों को हमने जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मैग्नेटिक लगाने हैं, और साथ में हमने इनको वो करना है। ये हमारा रिहाइश का एरिया है, कैंप है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और ये आप देखें यहाँ पे हमने, ये हमारा कार्ड रीडर है। आई थिंक जो जो बंदे ये सिक्योरिटी के बारे में जानते होंगे तो उनको पता होगा कि इसमें रीडर कौन सा है, मैग्नेटिक कौन सा है, और किस तरह जो है ना कि लगाई जाती हैं ये सब चीज़ें। तो ये आज हमने लगानी है सारी चीज़ें। तो ऑलरेडी बॉक्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल था, बस एडिशनल हमने कुछ चीज़ें और इसके अंदर ऐड करनी है। तो बस ये तारें शारें हमारी ऑलरेडी पहुँची हुई है वहाँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।